गुड मॉर्निंग क्लास 3 है। आज पानी अमृत है का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधे को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है, जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। पानी में जीवन देने को शक्ति है, पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वो शुद्ध किया होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गाँव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। इसीलिए प्राचीन सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाए। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं। इनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई कहानी। इस कहानी को पढ़ के हम लोगों को ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी पानी है। पेड़ पौधे भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। देखो काम कितना होता है, कपड़े धोना, नहाना, और पानी बिना पिए तो हम रह ही नहीं सकते। तो पानी को हमें किसी भी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा हम इसे नहीं बहाएंगे। ओके, तो कहानी पूरी हो गई है। पानी की ज़रूरत आवश्यकता तुम लोगों को पता चल गई है। और तुम लोगों को क्या करना है, कठिन शब्द कॉपी में लिख डालना है और कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, ये है तुम्हारी होमवर्क, स्वच्छ लिखावट से लिख डालोगे। ओके, थैंक यू क्लास।